बेहाव ने एक जान के नुकसान पर लाखों जिंदगियां दांव पर लगा दी। गुजरात में डॉक्टर दिशांत के कातिलों की अदम गिरफ्तारी पर एहतजाज जारी। शहर में सरकारी ओपीडीज 30 रोज पे बंद। गंगाराम सर्विसेज, जना जनरल और चिल्ड्रन, जबकि मेयो अस्पताल में आए मरीज सवार हो गए। यंग डॉक्टर्स का कातिलों की गिरफ्तारी तक ओपीडीज बंद रखने का ऐलान। स्मोक के रोग से परेशान लोग आलूदगी दौड़ में। लाहौर का आज पहला नंबर। औसत AQI 400 से जायद रिकॉर्ड। कैंट 544, माल रोड 465, DHA में 411 AQI रिकॉर्ड। मसनूई बारिश का प्लान 4 से 6 हफ्तों के लिए मौखर। आइंदा 24 घंटों में भी बारिश का कोई इम्कान नहीं। सलाह इंतजामिया का स्मोक के तदारुक के लिए ऑपरेशन जारी। मिसकोइन और मिसकैनन से मुख्तलिफ इलाकों में पानी का सप्रे जारी। 3 रोज में 78 से ज़ायद मुकामात पर पानी का सप्रे किया गया। 148 अहम सड़कों पर पानी का छिड़काव किया गया। इकदाम के बावजूद डेंगू मच्छर काबू में ना आया। लाहौर में 24 घंटे के दौरान 68 मरीज रिपोर्ट हुए। सुबह भर में 115 अफराद में डेंगू की तस्दीक। गुजरांवाला 15, मुल्तान 9, फैसलाबाद 7, रावलपिंडी 4, शेखुपुरा 4, ओकाड़ा में डेंगू के 2 मरीज सामने आए। कसूर, नारोवाल, सरगोदा, खानेवाल, डेरा गाजी खान और झंग में डेंगू का 1-1 मरीज रिपोर्ट हुआ। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस पर समाअत। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एहतसाब अदालत पेश। अदालत के बाहर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए। लीगी कायदीन और कारकुनान की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। हमजा शहबाज की एक रोज़ा हाजिरी माफ़ी की दरख्वास्त मंजूर। दरख्वास्त में कहा गया कि हमजा शहबाज निजी दौरे पर कतर गए हैं। अदालत ने समाअत 12 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। नवाज शरीफ की क़यादत में मैदान में उतरेंगे और पाकिस्तान की जो यूथ है उनको तालीम के जेवर से आरास्ता परास्ता करने के लिए 2017 में सिर्फ वफाक की हुकूमत नहीं बल्कि बलूचिस्तान की हुकूमत भी जो अच्छा भला काम कर रही थी उसका भी तख्ता उलट दिया गया। शहबाज शरीफ का पूरी तैयारी के साथ इंतखाबी मैदान में उतरने का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, वक्त आ गया, हम नवाज शरीफ की क्यादत में मुल्क की भागदौड़ संभाले। 2017 में हमारी हुकूमत ख़त्म करके तरक्की का रास्ता रोका गया। हमने जो मुश्किलात बर्दाश्त की वो रिकॉर्ड का हिस्सा है। 9 मई के सहूलतकारों की अराकारी मुल्क दुश्मनी है। नौजवान नस्ल को तालीम के सेवर से आरास्ता करेंगे। तलबा को दोबारा लैपटॉप देने की भी नवीद सुना दी। निगरान वज़ीर आला की तस्वीर के साथ इश्तिहारी मुहिम के खिलाफ केस की समाअत। सरकारी वकील की निगरान वज़ीर आला की तस्वीर के साथ इश्तिहारी मुहिम ना चलाने की यकीन दहानी। आइंदा ऐसा हुआ तो कार्रवाई होगी। सरकारी वकील की यकीन दहानी पर दरख्वास्त निपटा दी। हाई कोर्ट का गिरफ्तार मुलजिमान की जिस्मानी रिमांड से मुतालिक बड़ा फैसला। मुलजिम मंशा बम की जिस्मानी रिमांड में तौसी का फैसला कलदम करार दे दिया। जिस्मानी रिमांड के लिए मुलजिम का कमरे अदालत में मौजूद होना भी जरूरी है। पेशी के बगैर जिस्मानी रिमांड नहीं दिया जा सकता। लाहौर हाई कोर्ट ने मुलजिमान का जिस्मानी रिमांड देने के लिए नए असूल वसा कर दिए। पंजाब फूड अथॉरिटी का मिलावट माफिया के खिलाफ एक्शन जारी। फिरोजपुर रोड पर कैचअप एंड सॉसेजेस बनाने वाले यूनिट पर छापा। प्रोडक्शन बंद। 1800 किलो सॉसेज, 600 किलो मायोनीज, 3 पैन और 2 मशीनें जब्त कर ली गईं। 133 किलो गैर मयारी कैचअप और भारी मकदार में मनुआ अज्जा को तलब किया गया। मिलावटी कैचअप को दिलकश पैकिंग लगाकर मुख्तलिफ होटल्स और दीगर मुकामात पर सप्लाई किया जाता था। वज़ीर हाउसिंग असफल नासिर का कमिश्नर लाहौर के हमरा मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों का मुआयना। बेरिया अंडर पास, शादरा चौक, कैलरी अंडर पास, अकबर चौक का दौरा। तमाम मनसूबों पर रात की शिफ्ट में जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। इंट्रा बैंक में डॉलर 47 पैसे सस्ता, रेट 285.05 रुपये पर आ गया। ओपन मार्केट में डॉलर 287.50 रुपये तक फरोख्त।
पोल्ट्री मसनूआती कीमतों में उतार चढ़ाव जारी। चिकन और अंडों की खरीदारी आम आदमी की जेब पर भारी। मुर्गी और गोश्त 4 रुपये महंगा, फी किलो कीमत 484 रुपये हो गई। जिंदा ब्रायलर के दाम भी 3 रुपये फी किलो बढ़ गए। जिंदा ब्रायलर होलसेल 322 पर चून रेट 334 रुपये किलो मुकर्रर। अंडे 1 रुपये महंगे, फी दर्जन कीमत 333 रुपये हो गई। मार्केट में अंडों की पेटी 9,870 रुपये में फरोख्त। सरकारी रेट लिस्ट में 10 सब्जियां और 3 फल मजीद महंगे। लहसुन 800, अदरक 780, प्याज 170 और टमाटर 160 रुपये किलो में बिकने लगे। मटर 320, शिमला मिर्च 180, अरबी 160, मेथी 140 और आलू 130 रुपये में फरोख। फलों में अंगूर 500, सेब 380, जापानी फल 280 और अमरूद 200 रुपये किलो में दस्तियाब। 2021 में जब साउथ अफ्रीका की सीरीज थी न्यूजीलैंड से वापस आके, तो मैं उसमें ड्रॉप हुआ और काफ़ी टाइम लगा, आई थिंक 1.5 साल लगा कि जब टीम में मेरी वापसी हुई थ्रू द ऑस्ट्रेलियन सीरीज। कोशिश यही होगी कि जाएं उधर ऑस्ट्रेलियन कंडीशन से हम यूज्ड टू हों। कप्तानी को जिम्मेदारी से निभाऊंगा, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बड़ा स्कोर करेंगे, शान मसूद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, टेस्ट खेलने के बाद मैं टीम से बाहर हो गया, टीम में वापसी के लिए मुझे 1.5 साल लगा, मैंने हाल ही में डोमेस्टिक क्रिकेट खेली। और टेम्परेचर कम होने से सर्दी में इजाफा, कम से कम टेम्परेचर 14 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड, ज़्यादा से ज़्यादा 12-24 डिग्री तक जाएगा। महकमा मौसमियात ने शहर का मौसम खुश्क और सर्द रहने की पेशगोई कर दी।